गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आरके क्लासेस में। दोस्तों, आज हम लोग कुछ ऐसे प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो कि इस साल किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए, और ये सारे प्रश्न ट्रेंडिंग में हैं, मे भी आने वाले एग्ज़ाम में भी पूछे जाएंगे, बल्कि कई क्वेश्चन तो इस साल बिहार दरोगा में भी पूछे गए। इसलिए ये सारे प्रश्न जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक तरह से आपके पास ऑल एग्ज़ाम का प्रीवियस ईयर कलेक्शन भी होगा। ये भाग वन है जिसमें हम लोग कुल 60 क्वेश्चन को कवर करेंगे, और इस तरह से जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उनमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं रीजनल क्वेश्चन छोड़ के, उन सभी को हम लोग कवर करेंगे, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो हैं सेटर्स के माइंड में होते हैं और एक दूसरे स्टेट से या एक दूसरे टाइप से रिलेटेड होते हैं। इसलिए आप इसे अच्छे से तैयार करें और इस सीरीज से लगातार बने रहें। अगर आप अभी तक इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, पास वाले बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। देखिए, यहाँ पे जो फैक्ट सब है ये क्या कहता है कि चोल सम्राट राजराज ने अपनी पुत्री का विवाह किससे चालुक्य शासक से करवाया था। तो ये चालुक्य शासक थे विमलादित्य, ध्यान रखें आप। अगला है, चोल शासक जो हैं किस चीज़ में वो जो हैं काफ़ी मजबूत थे, प्रमुख थे। तो चोल शासक जो हैं नौसैनिक शक्ति के लिए प्रमुख थे, नौसैनिक शक्ति के लिए वे जाने जाते थे। अगला फैक्ट है, पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया था। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है और इसका वर्णन जो है एहोल अभिलेख में मिलता है। याद रखिए, पुलकेशिन द्वितीय ने किसे हराया था, हर्षवर्धन को, और इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, एहोल अभिलेख से। अगला है, इंडिया चाइना वार नामक पुस्तक को बर्टिल लिंटर ने लिखा है। ध्यान रखें, इंडिया चाइना वार बर्टिल लिंटर। आगे बढ़ते हैं, अगला है, इंटर ट्विंड लाइफ्स को जयराम नरेश ने लिखा है। जयराम नरेश, इंटर ट्विंड लाइफ्स। अगला है, अकबर के काल में टोडरमल ने भू राजस्व सुधार किए थे। सवाल पूछा जाता है कि अकबर के काल में किसने भू राजस्व सुधार किया था, तो ध्यान रखें टोडरमल ने। नेक्स्ट है, भारत आने वाला पहला अंग्रेज रॉल्फ फिंच था जो कि 1600 ईस्वी में अकबर के शासनकाल में आया था। रॉल्फ फिंच, ये बीपीएससी में भी पूछा जा चुका है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, बटरफ्लाई जो शब्द है इसका संबंध जो है तैराकी से है। बटरफ्लाई का संबंध किससे है, तैराकी से। नेक्स्ट है, उपराष्ट्रपति को हटाने की पहल पहले जो है राज्यसभा ही कर सकती है। राज्यसभा के बाद ये लोकसभा में जाता है, जबकि राष्ट्रपति महोदय को हटाने की प्रक्रिया या तो लोकसभा पहले शुरू करे या राज्यसभा, लेकिन उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया की पहल पहले केवल राज्यसभा ही शुरू कर सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, ऑलिव रिडले का मास नेस्लिंग, देखिए ऑलिव रिडले का दूसरा नाम इस बार बिहार दरोगा में पूछा गया था। ऑलिव रिडले का मास नेस्लिंग जो है इसे अरीबदा कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखिए अरीबदा क्या है सीधा पूछा जाता है, तो ऑलिव रिडले का मास नेस्लिंग। नेक्स्ट पॉइंट है, लॉर्ड कर्जन ने कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल के निर्माण का सुझाव दिया था। ध्यान रखें, कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल जो है के निर्माण का सुझाव किसने दिया था, तो लॉर्ड कर्जन ने। अगला है, पूना समझौता 1932 ईस्वी में हुआ था। पूना समझौता कब हुआ, 1932 में हुआ था पूना समझौता। हमारा अगला फैक्ट है, डीआरडीओ द्वारा प्रक्षेपित निर्भय, निर्भय डीआरडीओ द्वारा प्रक्षेपित निर्भय ये जो है ये एक सबसोनिक क्रूज मिसाइल है, ध्यान रखें है। निर्भय क्या है, सबसोनिक क्रूज मिसाइल है। अगला जो फैक्ट है, गूगल विंग ने पहली बार होम डिलीवरी ड्रोन सेवा ऑस्ट्रेलिया में शुरू किया। ये इस साल कई एग्जाम में पूछा गया है, SSC GDC लेकर के MTS या अन्य सभी एग्जामों में, तो ध्यान रखें आप। गूगल विंग ने होम डिलीवरी सेवा कहाँ शुरू की, ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट है, ग्रेट बैरियर रीफ क्वींसलैंड के पास स्थित है, ठीक है दोस्त, कहाँ पर है, क्वींसलैंड के पास। अगला है, IMF की स्थापना 1945 ईस्वी में हुई थी और ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस के तहत हुई थी। ध्यान रखिए, IMF की स्थापना कब हुई, 1945 में,
किसके तहत? ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस के तहत। अगला देखते हैं, आईएमएफ की मुख्य अर्थशास्त्री करंट अफेयर्स, तो ये है गीता गोपीनाथ। अगला फैक्ट देखिए, कहता है कि खाना बनाते समय जो सबसे अधिक जिस विटामिन का क्षय होता है वो है विटामिन सी। ठीक है दोस्त, और विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं। विटामिन सी को क्या कहते हैं? एस्कॉर्बिक एसिड। और यह जो है खट्टे या सिट्रस फलों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। एक और खास बात, विटामिन सी केवल जो है पादप से ही प्राप्त होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, कागज जो है ये सेलुलोज का उत्पाद है। कागज किसका उत्पाद है? सेलुलोज का। कागज का आविष्कार कहाँ हुआ था? अगर आपको पता तो कमेंट जरूर करें। अगला देखिए, भारतीय संविधान की मूल प्रति जो है इसको लिखा था प्रेम बिहारी रायजादा ने, इसे लिखा है। अगला है देखिए, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 ईस्वी में लॉर्ड लिटन ने पास किया था। इसमें क्या होता था कि कोई भी पत्र है वो लॉर्ड लिटन के पास इंस्पेक्शन के लिए जाता था, वो अगर इसे ओके करे तो ये ठीक है, ना करे तो ये आप छाप नहीं सकते। इसे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कहा गया, जो कि 1878 में लॉर्ड लिटन ने लगाया था, ध्यान रखें आप। नेक्स्ट है, मृदा विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवित चीजों पर, ध्यान रखिए, जीवित चीजों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है, उसे एडाफोलॉजी कहते हैं। ठीक है, जीवित चीजों पर जब मृदा के प्रभाव का हम लोग अध्ययन करते हैं उसे क्या कहते हैं? एडाफोलॉजी। अगला फैक्ट है देखिए, जब ना आयात हो ना निर्यात हो तो उसे क्या कहते हैं? तो ऐसी अर्थव्यवस्था को बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं, जब ना आयात हो ना निर्यात हो। नॉर्थ कोरिया इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है। अगला देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन है, भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है? तो आपको पता होगा, भारतीय संगीत का जनक श्याम वेद को कहा जाता है। अगला जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि फरियाजी आंदोलन को किसने शुरू किया था? बीपीएससी में ही पूछा गया है, ध्यान रखिए। फरियाजी आंदोलन को शुरू किया गया था हाजी शरीयतुल्ला के द्वारा। किसके द्वारा? हाजी शरीयतुल्ला ने फरियाजी आंदोलन को शुरू किया था, ध्यान रखें आप। नेक्स्ट फैक्ट है, अनुच्छेद 120 क के तहत सदस्य जो है, संसद सदस्य जो है, अपनी मातृभाषा में बोल सकता है। सवाल पूछा गया है कि किस अनुच्छेद के तहत संसद के सदस्य अपनी मातृभाषा में वक्तव्य रख सकते हैं? तो ये अनुच्छेद है 120 क के तहत। अगला है, धन विधेयक संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद में है? बहुत बार पूछा गया है, अनुच्छेद 110 में जो है धन विधेयक संबंधी प्रावधान किए गए हैं। नेक्स्ट है, न्यायालय जो है उच्चतम न्यायालय या न्यायालय सदन की कार्यवाही में दखलंदाजी नहीं कर सकता, यह प्रावधान अनुच्छेद 122 में है। मिलान में यह पूछा जा चुका है, मैच द फॉलोइंग टाइप वाले क्वेश्चन में। तो ध्यान रखिए, अनुच्छेद 122 के तहत न्यायालय सदन की कार्यवाही में दखलंदाजी नहीं कर सकता है। आगे बढ़ते हैं, अनुच्छेद 126 में जो है एक्टिंग सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बारे में प्रावधान किया गया है, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला है, बदरुद्दीन तैयब जी मद्रास सेशन 1887 में अध्यक्ष बने थे, ध्यान रखिए। और बदरुद्दीन तैयब जी जो हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे, इसलिए ये क्वेश्चन थोड़ा खास हो जाता है। और इन्होंने मद्रास अधिवेशन 1887 में अध्यक्षता कांग्रेस की थी। अगला देखिए, भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति जाकिर हुसैन थे, बहुत आसान क्वेश्चन। और जाकिर हुसैन की मृत्यु जो है कार्यकाल के दौरान हो गई थी, तो ध्यान रखें, ये सवाल भी पूछा जा चुका है। अगला जो फैक्ट है ये कह रहा है कि खसरा जो है, खसरा रूबेला वायरस के कारण होता है। खसरा रूबेला वायरस, ध्यान रखें, 1990 में पहली बार एशियाई खेल में कबड्डी को शामिल किया गया था। एशियाई खेल में कबड्डी को कब शामिल किया गया? 1990 में। नेक्स्ट फैक्ट देखिए, एशियन गेम 2022 में जो होने वाले हैं ये चीन में होंगे और 2026 में जापान में होंगे। कंफ्यूज कतई ना करें, 2022 एशियन गेम चीन, 2026 एशियन गेम जापान। नेक्स्ट है, तुंगभद्रा अभयारण्य जो है ये कहाँ स्थित है? तो ध्यान रखिए, तुंगभद्रा अभयारण्य कर्नाटक में स्थित है। अगला जो महत्वपूर्ण फैक्ट है ये है, रंगन चीटू
पक्षी विहार कहाँ है? तो कर्नाटक में, ये इस साल बिहार एसआई में पूछा गया था, सेकंड शिफ्ट में, आपको ने दिया होगा तो आपको पता होगा, तो ध्यान रखेंगे। रंगनथिट्टू पक्षी विहार कर्नाटक में है, और घाट प्रभा पक्षी विहार भी कर्नाटक में है, तुंगभद्रा अभयारण्य भी कर्नाटक में है, ध्यान रखें, ये सब महत्वपूर्ण है। अगला है, भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे पुरानी लिपि कौन सी है? तो ध्यान रखिए, भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे पुरानी लिपि ब्राह्मी लिपि है, ठीक है दोस्त। भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे पुरानी लिपि कौन सी है? ब्राह्मी लिपि है। इसे आप जरूर लिखते चलें ताकि आपको याद हो जाएगा। वीडियो थोड़ा तेजी में बनाया जा रहा है क्योंकि ये एक रिवीजन सीरीज है। अगला देखिए, आराम से करने वाले एक औसत व्यक्ति जो है ये 15 से 18 बार प्रति मिनट सांस लेता है, औसत व्यक्ति जो है औसत रूप से। नेक्स्ट फैक्ट देखिए क्या कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि स्कूलों में मध्याह्न भोजन शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो ये तमिलनाडु है। तमिलनाडु भारत का पहला ऐसा राज्य है जिसने स्कूलों में मध्याह्न भोजन शुरू किया, और ये इसने किया था 1995 में। 1995 ईस्वी में तमिलनाडु पहला ऐसा राज्य बना जिसने स्कूलों में मध्याह्न भोजन को शुरू किया था। अगला देखिए, अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का प्रावधान है। इससे पहले हम लोगों ने अनुच्छेद 110 धन विधेयक के बारे में देखा था, तो कन्फ्यूज ना करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। बारंबारता या फ्रिक्वेंसी जो है ये हर्ट्स में मापा जाता है, बीपीएससी में ये पूछा जा चुका है, तो ध्यान रखें, फ्रिक्वेंसी जो है किस में मापते हैं हम लोग? हर्ट्स में मापते हैं। अगला प्रश्न है, 106वें बिहार दिवस के अवसर पर नील के ढाबे पुस्तक का अनावरण किसने किया था? तो ध्यान रखें, 106वें बिहार दिवस के अवसर पर नील के ढाबे पुस्तक का अनावरण वेंकैया नायडू ने किया था। जब 64वीं बीपीएससी अगर आपने दिया होगा तो उसमें भी आपको एक बुक के बारे में पूछा गया था, और अनावरण से संबंधित ही पूछा गया था, तो ध्यान रखिए, नील के ढाबे पुस्तक का अनावरण वेंकैया नायडू के द्वारा किया गया। अगला है देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं, यह भी बीपीएससी में ही पूछा जा चुका है, तो ध्यान रखिए, ये शायद 65वीं में या 64वीं में पूछा गया है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। क्या बता सकते हैं, राइबोसोम को क्या कहा जाता है? अगर आपको पता है तो कमेंट करें, राइबोसोम को क्या कहते हैं। अगला है, मंड त्यौहार जो है, मंडा मंडा त्यौहार जो है ये किस स्टेट में मनाया जाता है? तो ध्यान रखिए, मंडा त्यौहार झारखंड में मनाया जाता है, मंडा त्यौहार झारखंड में मनाया जाता है। नेक्स्ट फैक्ट है, लक्षद्वीप, मिनिकाय और अमंडी द्वीपों का नाम 1973 में बदलकर लक्षद्वीप कर दिया गया था, 1973 में, याद रखिए, इन सभी का नाम लक्षद्वीप, मिनिकाय और अमंडी का नाम बदलकर क्या कर दिया? लक्षद्वीप कर दिया गया था। क्या 1973 से आपको फैक्ट याद आ रहा है? प्रोजेक्ट टाइगर याद रखिए, 1973, ये साल यूपी पीसीएस में पूछा गया है। चलिए अगला सवाल देखिए, कहता है कि WWW का आविष्कारक कौन है? तो वर्ल्ड वेब वाइब इसका आविष्कार किया था टिम बर्नर्स ली ने, ध्यान रखें। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय आर्थिक सलाहकार वर्तमान में कौन है? तो ये आपको पता होना चाहिए, कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम जो हैं ये राष्ट्रीय आर्थिक सलाहकार हैं। क्या आप बताएं कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है अभी वर्तमान में? बराबर न्यूज़ में रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, भारतीय संविधान के 91, 91 संशोधन 2003 के द्वारा दल बदल कानून निरोधक कानून में संशोधन किया गया था। सवाल पूछा जा चुका है, दल बदल निरोधक कानून में संशोधन किस संशोधन के तहत किया गया? तो ध्यान रखिए, 2003, 91 संशोधन। अगला है, महाराष्ट्र ने कृषि विपणन और किसान हितैषी सुधारों में 2019 में पहला स्थान प्राप्त किया है, ध्यान रखिए, कृषि विपणन और कृषि हितैषी सुधार में ये जो पहला स्थान प्राप्त किया है महाराष्ट्र ने, जबकि दूसरे स्थान पर गुजरात है। अगला देखते हैं, कहता है टीवी रिमोट कंट्रोल में कौन सा तरंग का प्रयोग किया जाता है? तो ध्यान रखिए, टीवी रिमोट कंट्रोल में इंफ्रा रेड तरंग का, वेव का प्रयोग किया जाता है टीवी रिमोट कंट्रोल में, ये आप ध्यान रखें। एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं तो उसमें हम लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, इंफ्रा रेड, रेडियो वेव, शॉर्ट वेव, माइक्रोवेव, क्या लगाएं, तो आप ध्यान रखिए, इस टाइप के क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें। टीवी रिमोट कंट्रोल में इंफ्रा रेड का प्रयोग किया जाता है। अगला देखिए, 13वें वित्त आयोग कौन थे? तो विजय केलकर जो हैं 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष आप कमेंट में जरूर बताएं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला देखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण है कि राइज RISE, ये जो राइज योजना है ये किससे संबंधित है? तो ध्यान रखिए, राइज योजना जो है ये उच्च शिक्षा से संबंधित है, ठीक है दोस्त। और इसका फॉर्मूला, फुल फॉर्म देखिए आप क्या होता है, रिवाइटलाइजिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सिस्टम इन एजुकेशन। रिवाइटलाइजिंग कर रहा है वो ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सिस्टम इन एजुकेशन, ये जो है राइज का मतलब है, और ये जो है उच्च शिक्षा से संबंधित है। देखिए फिर से वही क्वेश्चन आ गया, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में लॉर्ड लिटन ने इसे पास किया था, जबकि याद रखिए आप लॉर्ड रिपन ने इसे समाप्त कर दिया था। नेक्स्ट फैक्ट है, देखिए ब्रिटेन की महारानी को कैसर ए हिंद की उपाधि किसने दी थी? तो लॉर्ड लिटन ने दी थी कब? 1876 में, उस समय भारत में जबरदस्त अकाल पड़ा था। तो ध्यान रखिए, लॉर्ड लिटन ने ब्रिटेन की महारानी को कैसर ए हिंद की उपाधि 1876 में दे दी थी, और 1876 से 2 साल बाद 1878 में लॉर्ड लिटन ने ही वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लगा दिया था। अगला देखिए, फैक्ट्री अधिनियम 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन ने पारित किया था, ये ध्यान रखिए। फैक्ट्री अधिनियम कब पारित हुआ? 1881 में, किसके समय में? लॉर्ड रिपन के काल में। अब देखिए काफ़ी आसान सा पॉइंट है कि लेह और कारगिल पहले जम्मू कश्मीर में था, वर्तमान में ये लद्दाख में है, ध्यान रखें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जोखा लहरती को कई बार एग्जाम में इस साल पूछा गया। जोखा लहरती जो कि ओमान की हैं, उनको जो है मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया, और इन्हें मिला सेलेस्टियल बॉडीज की रचना के लिए, ठीक है दोस्त। तो ये हम लोगों ने कुल जो है 58 क्वेश्चन कवर कर लिया है। अगला है देखिए, अंडाशय जो है ये महिलाओं का प्राथमिक यौन अंग 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 है। अंडाशय क्या है? महिलाओं का प्राथमिक यौन अंग है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि शरीर में लिम्फोसाइट कोशिका कहाँ बनती है? तो ध्यान रखिए, तिल्ली में लिम्फोसाइट कोशिका का निर्माण होता है। तो ये हम लोग का था 60 क्वेश्चन, इसके बाद हम लोग अगली वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, सारे प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, आप इसे एक नज़र ज़रूर देखें। जब आप रिवीजन करें तो इसे भी ज़रूर रिवीजन में शामिल करें, क्योंकि सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। धन्यवाद।